दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर है और उसने पिछले एक दो साल में, जब से वो कंपनी रिलीज हुई है पिछले 2 साल में, तो उसने बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी आपके सामने पेश किए। बहुत अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न उस कंपनी ने आप अपने शेयर होल्डर्स को, जिसने भी खरीदा होगा, जिसके जिनके भी पोर्टफोलियो में होगा, बड़े बेहतरीन रिजल्ट उन्होंने पेश किए। तो आइए उस वीडियो पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरे लोगों के साथ लिंक भी शेयर करिए फेसबुक पे, ताकि या व्हाट्सएप पे, ताकि वो भी हमारे इस वीडियोस को देख के कुछ बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू दोस्तों, आ चलते हैं हम उस वीडियो पे। तो उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 8,590 रुपये का शेयर है। काफ़ी महंगा शेयर आपको नज़र आ रहा होगा, बट मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज के दिन ही 246.95 पॉइंट्स की जंप इसने मारी है, मतलब 2.96% की जंप इस कंपनी ने दिखाई है। आइए 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 2,150 रुपये के लगभग का ये शेयर मिल रहा था, आज लगभग 8,600। वन मंथ का देख लीजिए, वन मंथ पहले, सही एकदम एक महीने पहले ये शेयर आपको 7,000 रुपये के लगभग मिल रहा था। ओके, लगभग लगभग 1,500 रुपये एक ही दिन, एक महीने में आपके बढ़ चुके हैं। और देखिए, लगभग 4,3800 रुपये का शेयर ये आपको 6 महीने पहले मिल रहा था। ओके, और जब ये मार्केट क्रैश हुआ था तब 3,200 रुपये के लगभग आपको ये शेयर मिल रहा था, 3,100-3,200 रुपये। और आज देखिए क्या शेयर ने किस तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न दिए होंगे, उस पर भी आपको ले जाना चाहूँगा, दिखाता हूँ बाद में। और 1 ईयर का देख लीजिए, 1 ईयर पहले ये कंपनी केवल 2,600 रुपये में आपको मिल रही थी। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 5 ईयर्स का मैक्सिमम देखते हैं क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई है 2017 में, ये कंपनी लिस्ट हुई है। ओके, और ये लिस्ट 2,659 रुपये में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 2,600 रुपये में आपको शेयर मिल रहा था, और अभी कितने का, 8,590। मतलब 2 साल में ही कंपनी को, लगभग 3 साल हुए हैं और 3 साल में इस कंपनी ने क्या मल्टीबैगर रिटर्न दिए। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स, देख लीजिए। 1 डे, 1 डे का देखिए पॉजिटिव, 1 वीक का पॉजिटिव, 1 मंथ का पॉजिटिव, हर एक पैमाने पे पॉजिटिव रिटर्न इस कंपनी ने दिए। 2 साल में देखिए 221%, 6 महीने में देखिए 114%, 1 साल में देखिए 239%। मतलब 1 साल में 239% के रिटर्न्स, मतलब जिनने भी ये शेयर लिया होगा, मल्टी बैगर रिटर्न्स कहते हैं इन्हें। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्ड थोड़े से बेचे हैं जो कि -0.6% है। ओके, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.11 है। इसके अलावा FIS, फॉरेन इन्वेस्टर, ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है इस कंपनी में, जो कि 12.27 हो गई है। म्यूचुअल फंड ने घटा दिया थोड़ी सी, जो 20.99 है। इंश्योरेंस कंपनी का हिस्सा इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा अदर DIS देख लीजिए तो 0.95, और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर से रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें कहते हैं, तो 29.68% की हिस्सेदारी इसमें ये रखते हैं। इसके अलावा आज के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो फेस वैल्यू पी सॉरी पी देख लेते हैं। तो सेक्टर, जिस सेक्टर में एक कंपनी काम करती है, उसका पी है 347.55, और इस कंपनी का है 104.96। मतलब अपने पी रेशियो से, सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी कम में ये आपको नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू 10 का है। 52 वीक लो आपको दिखाना चाहूँगा, 1 महीने, 1 साल पहले ही था। ओके, 2,351 रुपये का, और आज 1 साल में ही लगभग तीन चार तीन कितना गुना ये कंपनी बढ़ चुकी है। डिलीवरीज की बात की जाए तो 52.55% की डिलीवरीज उठाई गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, लोगों ने देखो कितनी भारी डिलीवरीज यहाँ पर उठाई है। इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड 2020 में 4 रुपये का, 19 में 2 रुपये का, 2018 में 2। तो देखिए डिविडेंड भी बढ़ रहा है, तो डिविडेंड बढ़ रहा है तो इसका पता चलता है कि कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रही है। और शेयर, कोई भी शेयर इन्होंने प्लेज नहीं करे, कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखी है। और कंपनी काम क्या करती है उस पर आ जाते हैं। तो कंपनी देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, टीवी वी इन सब की ये चीज़ें बनाती है, होम अप्लाइंसेस ये बनाती है, वॉशिंग मशीन वगैरह, ओके, लाइटनिंग सॉल्यूशन बल्ब वगैरह ये बनाती है, मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग का काम भी ये कंपनी करती है काफ़ी बड़े पैमाने में। सिक्योरिटी सर्वेलेंस देख लीजिए, जो कैमरे सिक्योरिटी के होते हैं उसमें, और रिवर्स लॉजिस्टिक में भी ये काम
करती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये देखिए यहाँ पर, ओके यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सारे काम करती नज़र आ रही है। तो लाइटनिंग देख लिया आपने, ओके। इसके अलावा तो ये कंपनी के वेयर हाउस है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी है, लाइटनिंग, टीवी, होम अप्लाइंसेस, तो ये सारा काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा टारगेट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए 3 वीक्स पहले ही कंपनी में कहा गया था कि 795, 7.20 का ये उस टाइम प्राइस था, तो उसके टारगेट्स बताए गए थे 8663, जो कि लगभग आज के दिन में अचीव भी किया है, ओके। इसके अलावा देख लीजिए, और एक 2 वीक पहले आनंद राठी है, उन्होंने इसका टारगेट्स बताया 9834, जो जिसके ये लगभग करीब ही है और कभी भी ये उसके पहुंच सकता है। तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और जैसे कि आपको पता है इंडिया चाइना की वजह से इंडिया ने चाइनीज़ कंपनी को बैन करने का जो प्रण लिया है, और जिसके ऊपर वो चल भी रहा है, ओके। तो इस कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो आप इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और अभी तक ये कभी अब इंडिया में ही कर रहे थे ये काम, बट अभी इनके मैनेजमेंट ने कहा है कि ये अपनी चीज़ों को, जो ये चीज़ें बनाते हैं, ओके, होम अप्लाइंस, लाइटनिंग, जो भी मैंने आपको बताया, उसे वो बाहर भेजेंगे भी, ओके, दूसरी कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस करेंगे। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी नज़र आ रही है, तो आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो मेरा ये पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, और नीचे बेल आइकन है उसे दबाइए, ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियो की मिल सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।